मुस्लिम लीग नून के वफद की डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली से मुलाकात हुई है। वफद की ख्वाजा सलमान रफीक की गिरफ्तारी पर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त हुई। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इखलाक बाजवा से। इखलाक बाजवा, बताएगा स्पीकर पंजाब असेंबली से मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून के वफद की? जी बिल्कुल, दुरखा मुस्लिम लीग नून के अराकीन असम्बली वारस कल्लू पीर अशर रसूल रहीला खादम हुसैन बुशरा अंजम भट्ट अशर चौधरी समेत दीगर ने दी। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर का ये कहना था कि आइन और जो इख्तियारात हैं वो उसकी इजाजत नहीं देते। ये इख्तियार जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली के पास है कि वो कर सकता है, लेकिन जो अराकीन पंजाब असम्बली के हवाले से जो रूल्स और प्रोसीजर हैं उस वो इस बात की इजाजत नहीं देते कि वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर सकें। मुस्लिम लीग नून के इसरार के बाद उनका ये कहना था कि जो आइनों कानून के मुताबिक होगा उसके मुताबिक फैसला करेंगे। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के वफद का ये कहना था कि जो ख्वाजा सलमान रफीक हैं वो रुकने पंजाब असम्बली हैं और असम्बली का इजलास भी चल रहा है, तो इस हवाले से उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए जाए, नैब की जानिब से उनकी गिरफ्तारी पर वो उनको इजलास में बुलाया जा सके। जिस पर स्पीकर का ये कहना था कि आपके 10 साल गुजारे, आपके दौरे हुकूमत में आप कवानीन में तब्दीलियां ले आते, लेकिन आपने ताहाल कोई तब्दीली नहीं लाई, और इस बात का ये सबूत है कि स्पीकर पंजाब असेंबली के पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं इस हवाले से कि वो प्रोटेक्शन आर्डर जो है वो जारी कर सके। जी बहुत शुक्रिया आपका इखलाक बाजवा।